वेलकम अंजुम्स किचन में वेलकम। आदाब दोस्तों, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं बहुत ही मजेदार सा और बहुत आसान तरीके से चाइनीज चिकन, जो झटपट बन जाएगा, बहुत कम चीजों के साथ बनाएंगे और जो कि राइस के साथ बहुत ही मजेदार लगता है और डाइट वाले पर्सन के लिए तो बहुत ही आइडियल रेसिपी है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए हमने यहाँ पे एक पूरा ब्रेस्ट ले लिया है चिकन का और इसे हम पहले थोड़ा सा पतला कर लेंगे। तो देखिए उसमें ये कुछ हिस्सा होता है इस तरीके से नरम वाला होता है, तो इसे अलग से निकाल देंगे। ठीक है, तो ये निकल गया। अब इसको इस तरीके से रखेंगे और रखने के बाद ऐसा हाथ रखकर, हाथ कटने मत दीजिएगा, थोड़ा एहतियात से इसको आधा कर लेंगे। देखिए कुछ इस तरीके से। तो ये क्या होगा, पतला होने में ना ये बहुत कम वक्त लेगा गलने में। वैसे भी चिकन ब्रेस्ट जो होता है वो बस भाप में ही गल जाता है। ठीक है, अब हम इसे लंबे लंबे पीसेस में कट कर लेंगे। थोड़ा सा हम छुरी को तिरछा रख रहे हैं ताकि और जो पीसेस हैं वो पतले पतले हो जाएं। देखिए कुछ इस तरीके से बहुत मजेदार बनता है, बहुत कम मसालों के साथ ये चाइनीज चिकन है हमारे अंदाज में। तो जैसे हमारे बेटे साहब आते हैं, और क्योंकि आपको पता है उनकी सारी चीजें डाइट की होती हैं, तो ऐसी बहुत सी रेसिपीज हैं जो बेइंतहा मजेदार होती हैं, उसमें कुछ भी मसाले भी नहीं होते, तो इसलिए हमने सोचा कि हम ये शूट करें और आपको जरूर बताएं। तो ये देखिए हमने सारा ब्रेस्ट जो था काट लिया। हमने यहाँ पर दो चिकन ब्रेस्ट लिए थे इसलिए क्वांटिटी आपको ज्यादा लग रही है। तो चलिए जल्दी से बनाते हैं मजेदार सा चाइनीज चिकन। तो यहाँ पे दोस्तों हमने दो बड़ी कैप्सिकम को इस तरीके से कट कर लिया है। यहाँ पे हमने दो बड़ी साइज की प्याज को इस तरीके से रफली कट कर लिया है। और जैसा आपको बताया ये ब्रेस्ट रेडी है, तो गैस को ऑन कर देते हैं, जल्दी से रख देते हैं अपने वॉक को। तो यहाँ हमने गैस को ऑन कर दिया है और अपने वॉक को रख दिया है। वॉक गर्म हो चुका है, इसमें हम डाल रहे हैं ऑलिव ऑयल, आपकी मर्जी है। अगर आप इसे अपने नॉर्मल रिफाइंड ऑयल में भी बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, बस ये है कि थोड़ा सा हेल्दी हो जाएगा क्योंकि हम इसमें डाल रहे हैं ऑलिव ऑयल। इसे अच्छी तरीके से गर्म होने देते हैं। तो दोस्तों तेल जो है हमारा अच्छी तरीके से गर्म हो गया है, इसमें हम सबसे पहले डाल देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम चिकन ब्रेस्ट। इसे अच्छे से मिला लेंगे। और आपको जैसे पता है कि चिकन ब्रेस्ट जो होता है वो बहुत जल्दी गल जाता है, इसको आप कभी भी बहुत ज़्यादा मत पकाइए, आप जितना ज़्यादा पकाएंगे उतना हार्ड होगा। तो बस जल्दी जल्दी से हम इतना ही इसे चलाएंगे कि इसका जो कलर है वो थोड़ा सा चेंज हो जाए, और फिर हम जल्दी से अपनी दूसरी चीज़ें ऐड करेंगे। एक खास सॉस हमने बना के रखा है, उससे बहुत मज़ेदार चाइनीज़ खाना बनता है। तो अभी तक हमने उसका शूट नहीं किया है, बहुत जल्द उसका शूट करके हम वो डाल देंगे। तो जब भी आप चाइनीज खाने बनाएं तो वो सॉस ज़रूर रखिए और उससे आपके खाने बहुत मज़ेदार बनेंगे। तो देखिए यहाँ पे कलर चेंज हो चुका है, तो बस अब हम इसमें डाल देंगे ढेर सारी प्याज जो कट करके रखा हुआ था। तो चिकन ब्रेस्ट को भी थोड़ी सी भाप लगती रहेगी और ये जो प्याज है ये भी थोड़ी सी साथ में नरम हो जाएगी, और ये जो प्याज है इसकी जो खुशबू है इस चिकन ब्रेस्ट में भी समा जाएगी, तो और मज़ेदार हमारा चिकन ब्रेस्ट बनके तैयार होगा। तो इसे अच्छे से मिला लेते हैं। और कभी भी चाइनीज वगैरह जो खाने हैं उन्हें आप लो फ्लेम पे, मीडियम फ्लेम पे कभी भी मत पकाइए। जब भी चाइनीज़ खाने आप लोग बनाते हैं तो आप उसे हाई फ्लेम पे पकाइए, जबकि हम लोगों के जो गैस होती है उसकी जो फ्लेम होती है काफ़ी कम होती है। अगर होटल्स वगैरह में देखें तो इतने ज़ोरदार आँच पे, तेज़ आँच पे पकाया जाता है के आग बाजू से उड़ने लग जाती है। तो देखिए प्याज और ब्रेस एक जैसा हो गया है कलर में। अब इसमें हम डाल देंगे नमक, यहाँ पे हम डाल रहे हैं 1.5, क्योंकि आधा किलो से ज़्यादा चिकन ब्रेस्ट है। मिला लेते हैं एक बार इसे, बहुत प्यारी सी खुशबू आ रही है। थोड़ा सा भाप आने देते हैं ताकि ये अच्छी तरीके से गल जाए। तो देखिए हमने इसे 2 मिनट पकाया, जैसा कि आपको बताया है कि चिकन ब्रेस्ट बहुत जल्दी गल जाता है, तो आपको हम चेक करके दिखाते हैं। देखिए बहुत जल्दी गल चुका है, ये ज़्यादा नहीं पकाना है, जैसे पकाएंगे ज़्यादा तो ये हार्ड हो जाएगा। तो ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों हम आपको बताएंगे
कि हम इसमें डाल रहे हैं ये सॉस, जो कि ये हमने खुद बनाया है। और ये अगर आप बना के अपने घर में रखें तो आपको और दूसरी चीज़ बिल्कुल भी डालने की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें चार पांच चीज़ें हैं और जैसे ही ये डालेंगे तो बहुत ही मज़ेदार सा जायका हो जाएगा इस चाइनीज़ चिकन का। तो चलिए ये हम इसमें डाल देते हैं। एक बार इसे फिर से मिक्स कर देते हैं, ज़्यादा हम इसे सुखाएंगे नहीं, थोड़ा सा एक भाप और आने देते हैं। डाल देते हैं जो कट करके रखा था कैप्सिकम, तो यहाँ पे कैप्सिकम इसमें चली गई। इसे भी एक बार मिला देते हैं अच्छी तरीके से। जब भी कैप्सिकम या सब्जियाँ आप डालें तो उसमें बहुत ज़्यादा नरम मत करिए, एक क्रंच रहने दीजिए। और जितना कम पकाएंगे सब्जियों को तो उसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो भी नहीं उड़ते, वो भी ख़त्म नहीं होते, और जो कलर है वो भी बड़ा प्यारा सा लगता है, कलर कॉम्बिनेशन। इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। तो सारी चीज़ें इसमें चली गई, ये बिल्कुल रेडी है। अब ऊपर से हम इसमें डाल देते हैं जायके के लिए चिली फ्लेक्स, वो भी हम आपको घर में बनाना बताएंगे, बड़े आसानी से बन जाता है। बाहर का इतना तेज़ इतने प्यारे कलर का नहीं होता, आप देख सकते हैं। तो 1 टेबल स्पून के करीब यहाँ पर हम खूबसूरती के लिए और तेज़ी के लिए चिली फ्लेक इसमें डाल रहे हैं। ये सब चला गया, चलिए एक बार फिर से इसे मिक्स करते हैं। और ये हमारा चाइनीज चिकन बनके बिल्कुल रेडी है। गर्मा गर्म चावल के साथ इसे हम सर्व करेंगे। तो ये हो गया, चलिए आपको बताते हैं इसे हम कैसे सर्व करने वाले हैं। तो देखिए इस तरीके से हम कुछ सर्व करने वाले हैं। तो गर्मा गर्म हमारे चावल हो गए हैं रेडी। चलिए गर्मा गर्म चावल पे बहुत ही मज़ेदार सा हम रखेंगे चिकन। आपको जैसा सर्व करना है करिए, खाली एज ए स्टार्टर भी ये बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार हुआ है। तो लीजिए दोस्तों, बहुत आसान तरीके से बहुत कम मसालों के साथ हमारा चाइनीज चिकन रेडी है। तो लीजिए दोस्तों, तैयार हो गया है मज़ेदार सा चाइनीज चिकन। हमने इस तरीके से उसे सर्व किया है, थोड़े से चिल्ली फ्लेक और डाल देते हैं, खूबसूरती भी आ जाएगी और जायका भी बढ़ जाएगा। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए और बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो फिर मिलते हैं एक आसान सी झटपट बनने वाली लेकिन बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। दोस्तों आपसे गुजारिश करती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन भी ज़रूर दबाइए। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पे anjums.kitchen पे। अपना ख्याल रखिए और दूरी बनाए रखिए। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, सेहतयाब रखे। खुदा हाफिज़।